हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.6 का प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में। फिगर 6.61 आप ध्यान से देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि दो पॉइंट हैं ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल डी पी बी, ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दो लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं सी बी, तो ये भी एक कॉर्ड हो गया हमारा सी बी। चलिए ये क्यों हमने ज्वाइन किया वो देखते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन सी बी, ठीक है, तो बी सी हमारा ये कॉर्ड हो गया। अब देखिए हमें कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने, ए पी सी और डी पी पी, इन ट्रायंगल पार्ट वन ए पी सी एंड ट्रायंगल डी पी बी, ठीक है, ए पी सी एंड डी पी बी। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल डी पी बी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल्स, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या सिमिलर प्रूफ करने के लिए, आइदर कोई एक और एंगल हम दोनों ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, या इंक्लूडिंग साइड्स के रेशियो सेम हो, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए सी बी ये हमारा एक कॉर्ड है, तो हम जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड, ठीक है, अभी आपके पूरे सर्कल पे कहीं भी किसी पॉइंट पर जो एंगल सब टेन करता है वो सेम होते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल सी ए पी और सी ए बी, ठीक है, दोनों एंगल सेम है, और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि सेम कॉर्ड सी बी दोनों सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो एंगल सी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, तो बी डी पी एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड, एंगल, ये थ्योरम होता है हमारा सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड, तो इक्वल तो हो गए। अब देखिए दो एंगल दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल तो सेम होना ही है क्योंकि सम जो है हमारा 180 के बराबर होता है, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर प्रूफ, ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी पी, ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब देखिए पार्ट टू में हमें क्या प्रूफ करना है, एपी इंटू पी बी मीन्स एपी इंटू पी बी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी, सीपी इंटू डीपी, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, सो एज ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी पी, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं ए पी बाय डी पी, ए पी और डी पी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों, तो इसके रेशियो सेम होंगे, ए पी बाय डी पी इक्वल टू दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ले लें तो सी पी बाय पी बी, ठीक है, सी पी बाय पी बी, और यहां से हमें मिल जाएगा ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, यही हमें देखिए प्रूफ करना था। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं,
बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।